हाय मिनासान कोनिचिवा गाइस, आज के वीडियो में हम आपके लिए जेपी टू कोर्स का चैप्टर नंबर 18 की वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं न्यूनंगो देवा हाजी मामा शो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पैटर्न नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लास्ट 10 पैटर्न तक हमने लास्ट की दो वीडियो में देख लिया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जो पैटर्न है हमारा 11 वो क्या है, वर्ब की ता फॉर्म या फिर वर्ब की नाई फॉर्म होगा इदेस। ठीक है ना, होगा इदेस यानी कि कोई काम करना सही है। ठीक है, तो वर्ब की ता फॉर्म लगानी है आपको अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं कि कल स्कूल जाना अच्छा है, कल आप स्कूल जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो इदेस यहाँ पर समझ रहे हैं आप मीनिंग पैटर्न का कि ई मतलब गुड, कोई काम करना ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है कि वाता शिवा हागा इताइदेस, कि मेरे दांत में दर्द है, मेरे को टूथ पेन हो रहा है, मेरे दांत में दर्द है। हागा इताइदेस, हाँ मतलब टूथ या फिर दांत, टीथ। देवा, तो क्या आंसर किया कि सुगु ओइसा सानो तो करोए इत्ता होगा इदेस, कि आपके दांत में दर्द है तो आपको जल्दी सुगु जल्दी ओइसा सानो तो करो, ओइसा सानो तो करो मतलब डॉक्टर की दुकान बोल लीजिए या डॉक्टर के पास बोल लीजिए जाना इत्ता। अब यहाँ पर देखिए इत्ता लगाया है, यहाँ पर इन्होंने ता फॉर्म लगाई है, इत्ता होगा इदेस। ये आप एक्सेप्शन है, आपको यहाँ पर वर्ब की ता फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि कोई काम करना सही है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है ग्रामर की ही कि इत्ता होगा इदेस ने, कि आपको वहाँ पर जाना सही रहेगा ना, तो कन्फर्म कर रहे हैं एक तरीके से। तो सेकेंड तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि अमाई मोनो व ताबेनाई होगा इदेशो, कि अमाई मोनो मतलब स्वीट या मीठी चीज़ें, अमाई मोनो मतलब स्वीट या फिर मीठी चीज़ें खाना, ताबेनाई नहीं खाओगे तो अच्छा रहेगा, होगा ई देशो, कि आप ताबेनाई ताबेनाई यहाँ पर देखिए आप नेगेटिव यूज़ किया इन्होंने। ठीक है, तो वर्ब की नेगेटिव फॉर्म यूज़ करी। अगर आपको नहीं कहना है कि कोई काम करना अच्छा नहीं है तो आपको नाई देशो करके या फिर नाई होगा ई देश करके सेंटेंस बनाना पड़ेगा, और अगर आपको बोलना है कि कोई काम करना सही है तो आपको ता फॉर्म करके सेंटेंस बनाना पड़ेगा। लाइक सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर क्या है कि वाता शिवा मिमाइगा शिमास, कि मेरी आँखों में जलन हो रही है। तो आंसर क्या दिया यहाँ पे कि देवा सुगु योकोनी नाता होगा ईदेस ने, कि देवा वेल जल्दी योकोनी नाता मतलब होता लेटना, सोना बेड पे लेटना ऐसे बोल लीजिए। तो योकोनी नाता ईदेस ने, कि जल्दी लेट जाओगे तो अच्छा होगा, जल्दी सो जाओगे तो अच्छा होगा ना। तो दूसरे तरीके से क्या बोला इन्होंने कि उगो कनाई होगा ईदेशो। ठीक है ना, तो उगो की मास मतलब होता है टू मूव, कि ज़्यादा हिलो डुलो मत, ज़्यादा हिलो डुलना, ज़्यादा हिलोगे डुलोगे नहीं तो सही होगा। ठीक है ना, तो वो का नाई होगा ई देशो। ओके, तो आपको ऐसे वर्ब की ता फॉर्म करके या फिर वर्ब की नाई फॉर्म करके होगा ई देश से पैटर्न बनाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है वर्ब की प्लेन फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, यहाँ पे वर्ब की प्लेन फॉर्म यूज़ करनी है। तो आपको यहाँ पर प्लेन फॉर्म के नॉर्मल सेंटेंसेज में ता फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी और नेगेटिव सेंटेंसेज में नाई फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ट्वेल्थ पैटर्न। ट्वेल्थ पैटर्न में क्या है कि नाउन का इरिमास या फिर हित्स्योदेश। ओके, कि किसी नाउन की इरिमास मतलब होता है नीड, जरूरत। हित्स्योदेश मतलब होता है नेसेसरी, नेसेसरी उसको भी आप मनी जरूरत से ही ले लीजिए। तो मीनिंग दोनों के अलग अलग है, बस थोड़े से मिलते जुलते हैं। सेंटेंस कैसे बनाने यहाँ पे आपको देखिए, गाय कोकू ए इकुतो की फ़ौरन जाते समय पासपोतो ओ या फिर पासपोतो गा इरिमास। ठीक है ना, तो गा है यहाँ पे, गा आपको लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, एक्सेप्शन है कि यहाँ पे पार्टिकल गा ही आएगा, गा इरिमास या फिर गा हित्स्योदेश। तो गाय कोकू ए इकुतो की फ़ौरन जाते समय पासपोतो गा इरिमास, पासपोर्ट की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनाओगे आप यहाँ पे कि गाय को कुए कुतो की पासपोर्ट होगा हित्स्योदेश, कि फ़ौरन जाते समय आपको पासपोर्ट की जरूरत है, हित्स्योदेश नेसेसरी है। ओके, इरिमास करके बनाइए, गा हित्स्योदेश करके बनाइए, मीनिंग लगभग लगभग सेम है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस क्या है कि गाय को कुए कुतो की इरु मोनो व पासपोर्टोदेश। अब यहाँ पर दूसरे तरीके से बनाया है इन्होंने, यहाँ पे इरु जो यहाँ पे वर्ब पीछे थी इन्होंने यहाँ पे इरु मोनो कर दिया, यहाँ पे इसको नाउन बना दिया कि इरु मोनो व पासपोर्टोदेश, कि जो फ़ौरन जाते समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पासपोर्ट है ना। और नेक्स्ट है कि गाय को कुए इकु हित्सियो ना मोनो, कि अब हित्सियो जो है ना एडजेक्टिव है तो हित्सियो ना मोनो आएगा, तो हित्सियो ना मोनो व पासपोर्टोदेश, कि जो नेसेसरी थिंग्स है वो क्या है, पासपोर्ट है। ओके, तो 13 पैटर्न हमारा क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज करेगा आपको, बट कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। सोरेनी मतलब इन एडिशन, कुछ काम हुआ तो इन एडिशन मतलब मैं खाना खाऊंगा, जैसे ऐसे बोल लीजिए कि मेरे आँख में दर्द है और मेरे हाथ में भी दर्द है, तो मेरे आँख में दर्द है मैं माइगा शिमास बोल लीजिए, है ना, तो या फिर बोल लीजिए मैं गाइताइदेस,
मेगा एथाइडेस सोरे नहीं एडिसन इसके साथ साथ मेरे हाथ में भी दर्द है, तो उदेगा एथाइडेस बोल लीजिए या तेगा एथाइडेस बोल लीजिए। तो ऐसे इन एडिसन कुछ जब हम बोलते हैं तब हम सोरेनी का यूज़ करते हैं। लेकिन सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है वो देखते हैं कि बात अच्छी बात शाम के घशमास की मेरे को ठंड लग रही है सोरेनी इसके अतिरिक्त हकीके मोशिमास, ठीक है ना, कि हकीके मोशिमास यहाँ पर बोल लीजिए आप कि मेरे को जैसे मैंने बोला था कि जी में चलाता है जब हमारा कि बस में जाते हैं हम वोमिटिंग का मन कर रहा है हमारा या फिर हमें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो उस तरीके से उसको बोलते हैं नोजियस बोलते हैं नोजिया। तो हकीके मतलब जी में चलाना बोल लीजिए हिंदी में, तो हकीके मोशिमास कि मेरा जी भी मिचला रहा है। तो अगर हम पूरे मीनिंग देखें सेंटेंस का कि मेरे को ठंड भी लग रही है सोरेनी इन एडिशन इसके साथ साथ मेरा जी भी मिचला रहा है, और उसी तरीके से अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोले अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि वाता शिवा सामुके मो सुरुसी, ठीक है। तो सुरुसी यहाँ पर क्या है कि सिमास का प्लेन फॉर्म कर दिया इन्होंने सुरु और अलग से शी लगा दिया सुरुसी हकीके मो सिमास हकीके मो सिमास, ऐसे आपको करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए प्लेन फॉर्म प्लस सी और नाउन मो नाउन टू मो जो भी चीज़ें हैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। दोनों सेंटेंस का मतलब जो मीनिंग है वो सेम है, बस यहाँ पर क्या है यूज़ अलग अलग तरीके से थोड़ा बताया हुआ है, तो वो चीज़ें आपको पेपर में कन्फ्यूज़ करेगी, कन्फ्यूज़ ये करेंगे, ये ऐसी ही चीज़ें डालेंगे कन्फ्यूज़ करने के लिए कि इनकी जो प्रॉपर्टी है आपको उसके स्पेशल केसेस हैं कि कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक बार रट्टा मार लीजिए या फिर याद कर लीजिए, ध्यान में रखना। ओके सो नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस का यहाँ पर हमारा कि आनो हितोवा त्यासिगा फूजी उदेस सोरेनी मेमो वारुदेस, कि आनो हितोवा त्यासिगा फूजी उदेस मतलब वह आदमी जो है फिजिकली डिसेबिलिटी बोल लीजिए या फिर लेम बोल लीजिए कि लंगड़ा है या फिर जैसे हम डिसेबिलिटी बोल लीजिए फिजिकली, तो सोरेनी इसके अतिरिक्त वो मेमो वारुदेस उसकी आँख भी ख़राब है। ओके तो ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसी सेंटेंस को आप कैसे करना है कि यहाँ पे देश का हमें प्लेन फॉर्म कर देना है जो बन जाएगा दा प्लस ऐड कर देना हमें शी और बाकी सेंटेंस में मो लग देना, वो तो है ही लास्ट वाले में। तो आनो हितो वा ते आशिमो फूजियो दासी, ठीक है। तो यहाँ पे मो सेंटेंस में मो भी आ रहा है, लास्ट में भी आया था। तो यहाँ पे क्या कैसे सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ पे हम कि आनो हितोवा तेयाशिमो फूजियोदासी मेमो वारुदेस, ठीक है। तो मीनिंग दोनों का सेम है कि वह आदमी जो है लेम है फिजिकली डिसेबल है और उसके साथ साथ सोरेनी इन एडिशन मेमो वारुदेस जिसकी आँख भी खराब है। ओके नेक्स्ट है गाइस हमारा यहाँ पर 14 पैटर्न क्या है कि प्लेन फॉर्म प्लस नो देश का, ठीक है। तो यहाँ पर नो देश का बोल लीजिए, देखिए ये नो देश का और इन देश का, जैसे आपने सुना भी होगा कि इन देश, ओके इन देश करके पैटर्न होता है कि जिसे हम जिसमें हम एम्फेसाइज करते हैं, लाइक हमने जो भी एक्शन किया उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम नो नो लगा करके भी एम्फेसाइज करते हैं। बस फ़र्क क्या है, नो और इन दोनों सेम है, बस फ़र्क क्या है कि जो नो है ये राइटिंग में यूज़ होता है मतलब, और जो इन है वो स्पीकिंग में यूज़ होता है। ओके तो दोनों में इतना ही फ़र्क है बस। ओके तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है कि किरेइना यो फुकु ओ की तेईमास ने दो कोए इकु नो देश का, कि आपने अब जैसे मैंने किसी को देखा या मेरे मैंने अपने भाई को देखा कि भाई उसने किरेइना यो फुकु की तेईमास ने, कि मैंने उससे बोला कि तुमने भाई अच्छे कपड़े पहन रखे हैं ना, किरेइना सुंदर कपड़े पहन रखे हैं ना, दो कोए इकु नो देश का कहाँ पे जा रहे हो, तो इको नो बोला इन्होंने कि थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा है कि कहाँ पे जा रहे हो बताओ ना मेरे को, तो कोरे कारा पाती ए इको नो देश, ठीक है ना। तो इको नो देश कि जा रहा हूँ पार्टी में जा रहा हूँ, कोरे कारा मैं अभी पार्टी में जा रहा हूँ। ओके तो ऐसे यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं अपनी बातों को, ठीक है। तो बाकी आप जैसे स्पीकिंग में बोलना चाह रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कोरे कारा पाती ए इकुन देश, ठीक है। तो इन भी लगा सकते हैं आप, लेकिन वो स्पीकिंग में होता है राइटिंग में नहीं होता। ओके नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे हमारा कि मानासान गा ई मासेन ने, कि मानासान नहीं है ना दोस्ते इनाई नो देश का, कि क्यों नहीं है वो बताइए मेरे को क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोला नारिता मादे तोमदाची ओ मुकाइनी इते नो देश, कि नारिता मादे ये प्लेस का नाम है कि नारिता मादे तोमदाची ओ फ्रेंड के वेलकम में मुकाइनी इते नो देश, कि फ्रेंड के फ्रेंड को वेलकम करने गए हैं या फिर फ्रेंड को लेने गए हैं ऐसे बोल लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर एन या नो लगा के एम्फेसाइज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है काओ इरोगा बारहवीं दस ने, कि आपका जो फेस कलर है लाइक हमारा जैसे हम बोलते हैं ना गुस्से में हम हमारा फेस कलर चेंज हो जाता है अकबर बुल हो जाते हैं हम, ठीक है। तो काओ इरोगा बारहवीं दस ने कि जो फेस कलर है वो थोड़ा अजीब है ना बेकार है ना,
तो अतामा गाइताइन नोदेस्का, कि आपके हेडक हो रहा है क्या, कि आपका फेस कलर चेंज हो रहा है, अतामा गा इताइन नोदेस्का, या अतामा गा इताइन देस्का बोल सकते हैं हम, लेकिन वो स्पीकिंग में वो राइटिंग में नहीं चलेगा, ओके। तो ये नहीं, अतामा गा इताइनो देवारी मासेन, कि नहीं मेरे को हेडेक नहीं हो रहा, हागा इताइनो देस, कि मेरा दांतों में दर्द हो रहा मेरे को, ठीक है ना, मेरे को टूथ पेन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है गाइस हमारा कि अमारी ओकाशियो ताबे मासेन ने, कि उतनी ज़्यादा ताब आप मिठाई नहीं खाते है ना, तो ओकाशी मतलब स्वीट्स, किराई नो देस का, कि आपको पसंद नहीं है क्या, या फिर आप हेट करते हो क्या उस चीज़ से, तो ये किराई नो ना, सॉरी किराई ना नो देवारी मासेन, तो किराई ना नो दिवारी मासेन, सिंपल नो लगा देना है, और अगर हम वैसे बोलेंगे न लगा के स्पीकिंग वाले सेंस में, तो किराई नान देस बोलेंगे हम, तो किराई नान दिवारी मासेन ऐसे, तो किराई ना नो दिवारी मासेन, नहीं मेरे को पसंद है, मतलब मेरे को जो हेट है वो नहीं करता मैं, लेकिन हागा इताई देस, मेरे को दांतों में दर्द हो रहा है इसलिए मैं अवकाशी नहीं खा रहा, ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इशुकानी निकाई, जैसे अब यहाँ पर ये सिंपल है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि एक हफ्ते में दो बार मैं खाना खाता हूँ, या एक महीने में चार बार मैं बुक पढ़ता हूँ, या एक साल में जैसे हम बोल सकते हैं कि एक इंडिया में एक साल में आईपीएल होता है एक बार, है ना, और ऐसे बोल सकते हैं चार साल में एक बार ओलंपिक होता है, तो ऐसे आपको ये सेंटेंसेस जो है इससे बनाने पड़ेंगे, कि काई लगा करके, कि इशुकान नी नी काई का सांकाई काजोकुनी तेगामियो काकीमास, कि इशुकान नी एक हफ्ते में, जो एक हफ्ते की ड्यूरेशन होती है उसमें, कि दो या तीन बार निकाई का सानकाई, दो या तीन बार काजोकुनी तेगामियो काकीमास, फैमिली को मैं अपनी जो लेटर है वो लिखता हूँ। नेक्स्ट है सिनेन नी इची दो ओलंपिकु गा अरिमास, कि चार साल में एक बार ओलंपिक होता है, इची दो मतलब वही चीज़ है कि वन टाइम या एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है इक्का गेत्सु नी नी दो गुराई शिका सोजी ओ शिमासेन, ठीक है ना, तो एक महीने में सिर्फ मैं एक बार सफाई करता हूँ, अब यहाँ पर सिका लगाए हैं तो शिमासेन नेगेटिव करना पड़ेगा, लेकिन सेंस पॉजिटिव का आएगा, कि मैं सिर्फ एक महीने में एक बार सफाई करता हूँ, सोजी मतलब टू क्लीन करना, ठीक है। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं गाइज, यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे फ्रेज है इसको भी पढ़ सकते हैं आप एक बार को, कि शिम्पाई वा रिमासेन, की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओदाइजनी टेक केयर अरिगातो गुजाइमास, ठीक है ना, थैंक यू सो मच। तो आपको समझ आ गया होगा हमारा 18 चैप्टर भी, नेक्स्ट वीडियो में अपना 19 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो चलिए करते हैं ये वीडियो को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।